में एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। समाप्त सप्ताह 29 अगस्त को भारत में 2.9 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आए। भारत ने 29 अगस्त को सप्ताह में 2.9 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए। पिछले सप्ताह की तुलना में कोविड-19 मामलों की संख्या में 32 की वृद्धि हुई। सप्ताह में 28 जून जुलाई 7 दिनों की अवधि के बाद से सबसे अधिक साप्ताहिक मामले दर्ज किए गए हैं। आने वाले त्योहारी सीजन के साथ कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंधित करने की चुनौती कठिन होती जा रही है। केरल चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन दक्षिणी राज्य में भारत के कोविड-19 टैली में 66% का योगदान दिया है। 1.9 लाख नए संक्रमण के साथ राज्य ने पिछले सप्ताह की तुलना में 55% की भारी वृद्धि दर्ज की है। कोरोना वायरस के प्रसार को सीमित कर रखने के लिए केरल सरकार ने रविवार को फिर से तालाबंदी करने की और आज रात से रात का कर्फ्यू घोषणा कर दी गई है। भारत में नए कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या 30,000 के आसपास मंडरा रही है, लेकिन इसके पिछले कुछ दिनों से ऊपर की ओर रुझान दिखाया गया है। देश में 40,000 से अधिक मामले सामने आए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार के आंकड़े के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 42,909 नए कोरोना वायरस संक्रमण की सूचना दी है, जिससे इसकी कुल कोविड-19 की संख्या 3,27,37,939 हो गई, जबकि सक्रिय मामले लगातार 5वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 380 ताजा मौतों के साथ कोविड-19 की मौतों का आंकड़ा 4,38,210 हो गया है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 3,76,324 हो गई है और अब यह कुल संक्रमणों का 1.15% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में भविष्यवाणी की है कि तीसरी लहर सितंबर और अक्टूबर के बीच देश में कहीं भी आ सकती है। हालांकि यह दूसरी लहर की तुलना में कम गंभीर हो सकता है। ICMR ने कहा, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समय से पहले कोविड प्रतिबंध होगा। We bow to the master of all mystics on this Janmashtami. Jai Shri Krishna. Shayyad Imran Rizvi ने न्यूज मोमेंट के दर्शकों को शुभकामनाएं दी हैं। उनके विचार में त्योहार हमें कभी घृणा नहीं सिखाते हैं, यह लोगों के बीच भाईचारा, शांति और सांप्रदायिक सद्भावना फैलाता है। श्री रिजवी आसनसोल दक्षिण विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा। बांकुड़ा के विष्णुपुर विधानसभा के भाजपा विधायक तन्मय घोष आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। गौरतलब है कि इससे पहले वरिष्ठ नेता और विधायक मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु रॉय के साथ जून में ही वापस तृणमूल में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक भाजपा के 2 विधायक तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में विधायक तन्मय घोष को राज्य के शिक्षा मंत्री बात्रे बसु ने झंडा थमाया। तृणमूल में शामिल होते ही विधायक श्री घोष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा
कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर बंगाल के लोगों पर अधिकार चलाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता को यह पसंद नहीं है, इसलिए चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत हुई। उन्होंने ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह देश की सबसे लोकप्रिय नेत्री और बंगाल की जनप्रिय मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रभावित होकर ही वह भाजपा छोड़ तृणमूल में आ गए हैं। भाजपा में बहुत से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कई पार्टियां छोड़कर टीएमसी में आ जाएगी। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800258 7060। आर के डंगाल के लोगों ने किया नॉर्थ थाना में प्रदर्शन। आर के डंगाल के लोगों तथा मृत कल्लू प्रसाद के परिजनों ने सोमवार को नॉर्थ थाना पर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। मृतक की मां आरती देवी ने कहा कि शव को देखने के बाद ही लग रहा है कि हत्या से पहले उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान देखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण उसकी हत्या कर दी गई है। गौरतलब है कि आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत रविवार सुबह आर के डंगाल के एक नाले में छत विछत शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की मां पहचान आर के डंगाल के किराए के मकान में रहने वाले राजन प्रसाद का छोटा बेटा कल्लू प्रसाद के रूप में की गई है। पिछले चार दिन से लापता था। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने आर के डंगाल के मुख्य नाले में स्थिर कटा हुआ छत बिछत शव देखकर पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान उसकी मां आरती देवी और उसके पिता राजन प्रसाद ने उंगली में अंगूठी और शरीर पर बने टैटू को देखकर किया है। बाद में तलाशी के दौरान पुलिस ने उसी नाले से उसका कटा हुआ शव भी बरामद कर लिया। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830. बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गोत्सव, उसके साथ ही कोरोना के तीसरे लहर की आशंका। अक्टूबर में कोरोना के तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं अक्टूबर में ही बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गोत्सव है। कोरोना संकट के बीच इस बार भी दुर्गोत्सव का रंग फीका ही रहने की आशंका है। सोमवार को सिरपांचल के विभिन्न हिस्सों में दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा खूटी पूजा की गई। इसके साथ ही पूजा पंडाल का निर्माण भी आरंभ हो गया। आसनसोल कोट रोड पूजा कमेटी के राज्य के कानून व लोक निर्माण विभाग के मंत्री मंडल घटक ने खूटी पूजा किया। यहाँ इस बार पूजा आयोजन का 75वां वर्ष। इस मौके पर पूजा कमेटी के नरेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह मक्कड़, सोमनाथ घोष, बपाई आदि मौजूद थे। रविंद्रनगर उन्नयन समिति ने INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक द्वारा खूटी पूजा की गई। शिल्पांचल के राधानगर रोड पूजा कमेटी के खूटी पूजा में सिटी केबल के जयदीप मुखर्जी, फास्टबैस की के पवन गुटगुटिया समेत कमेटी पदाधिकारी शामिल हुए। बनपुर स्थित नेताजी स्पोर्टिंग क्लब में भी खूटी पूजा की गई। यहां पूजा आयोजन का 50वां वर्ष है। इस मौके पर कमेटी की ओर से नरेश अग्रवाल, सुरजीत सिंह मक्कड़ समेत क्लब के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। न्यूज मूवमेंट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल फॉर न्यूज इन बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश एंड हिंदी। आसनसोल नगर निगम की वार्ड संख्या 29 और 30 में अलग अलग वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां वैक्सीन लेने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही कतार में लग गए थे। वार्ड संख्या 29 में 300 लोगों को वैक्सीन दी गई। इस मौके पर पूर्व प्रशाद कविता यादव, टीएमसी वार्ड अध्यक्ष राजा गुप्ता, प्रदीप भगत, गौरी प्रसाद आदि लोग उपस्थित थे। वहीं वार्ड नंबर 30 में आगाबेन स्कूल में कैंप आयोजन किया गया,
जहां जायजा लेने के लिए चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी पहुंचे। नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश के अनुसार आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में इस तरह के कैंप लगाकर कोरोना महामारी को दूर करने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। बांग्ला साहित्य जगत ने खोया एक अमूल्य रत्न। साहित्यकार बुद्धदेव गुहा का 85 वर्ष में निधन हो गया। साहित्यिक बुद्धदेव गुहा पराधीन भारत में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था। दूसरी ओर ब्रिटिश सेना क्रांतिकारियों पर अकथनीय आक्रमण कर रही थी। कुछ महीने पहले वो कोरोना अटैक से स्वस्थ होकर घर लौटे थे। इसके बाद फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार की रात पीले बसंत के महान लेखक बुद्धदेव गुहा को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पृथ्वी उसे अब भी और नहीं पकड़ सकती थी। उसने अनंत मनुष्य के मार्गों को पार करके और अपनी सारी कलाकृतियां को हमारे लोगों पर छोड़ दिया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में जंगल महल, मधुकरी, कोजागर, हलुदा बसंता, थोड़ी गर्म जोशी के लिए, कुमुदिनी, खेला जहां, रिजुड़ा, चंगारे गान आदि हैं। उनके निधन से बंगाली साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। न्यूज़ मोमेंट टीम भी अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ने किया अवैध बालू व कोयले के संचालन के छापे मारे। बाराबनी पुलिस स्टेशन पूर्णिया क्षेत्र व नदई में अवैध बालू व कोयले का संचालन किया गया। क्षेत्र में लगभग 50 टन कोयला जब्त किया गया था। पता चला है कि कोयले को एक जगह रखा गया था। बाराबनी पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद दो जगह से कोयले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छापेमारी की, एक व्यक्ति को लाया गया। पुलिस पूछताछ के लिए यहां से लोगों के पास जा रही है। ग्रेट अचीवमेंट, श्री श्याम आलम ने 45 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह गोवा में 27 और 29 अगस्त में आयोजन किया गया था। उन्होंने चौथा फाइनल में रजत पदक प्राप्त किया है। रानीगंज के लिए यह गर्व की बात है, क्योंकि वह खुद रानीगंज के गिरजापाड़ा में रहते हैं। वह 20 साल के हैं। रानीगंज मरवाड़ी महिला समिति ने 27 से 29 अगस्त को गोवा में राष्ट्रीय स्तर की किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए रानीगंज की पूरी टीम को प्रायोजित किया। रानीगंज वासियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ी उपलब्धि है। कौशल विकास योजना के तहत अकाउंटेंट के प्रशिक्षण की व्यवस्था। पश्चिम वर्धमान जिले में जिला शासक के नेतृत्व में इसकी कौशल विकास समिति के सहयोग से 33 लोगों ने बस, ट्रक व कार के ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया, जिस पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। शीघ्र ही उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी एवं प्रशिक्षण के पश्चात उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा एवं साथ ही रोजगार के लिए उचित व्यवस्था भी की जाने का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास समिति के सदस्य एवं इंडियन काउंसिल ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संदीप भालोटिया ने बताया है कि शीघ्र ही 20 लोगों के एक दल का प्रशिक्षण अकाउंटेंट के लिए भी होने जा रहा है, जिसके लिए लोगों ने आवेदन मांगा गया है। देखा गया है कि GST के इस दौरे में अकाउंटेंट में निपुण लोगों की बहुत अधिक कमी है एवं व्यवसायी तथा उद्यमी लगातार परेशान रहते हैं। अतः 20 लोगों के एक दल को अकाउंटेंट में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके पश्चात उनको रोजगार के लिए भी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया है
कि इसके अलावा भी विभिन्न विद्याओं के कौशल विकास प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है, जिसे बेरोजगारों एवं विभिन्न विधाओं में इच्छुक प्रशिक्षकों के लिए काम किया जाएगा। We bow to the master of all mystics on this Janmashtami. Jai Shri Krishna. गोमो रग्बी टीम के धनबाद टीम को 1-0 से परास्त किया। वॉलीबॉल में धनबाद रेड ने ब्लू टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर धनबाद जिला ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित एक दिवसीय रग्बी प्रदर्शनी मैच के दौरान गोमो रग्बी टीम ने फर्स्ट हाफ में ही एक ट्रॉल हासिल किया जो अंत तक बरकरार रहा। धनबाद रग्बी टीम को 1-0 से हार कर सामना करना पड़ा, जबकि वॉलीबॉल के प्रदर्शनी मैच में धनबाद रेड ने धनबाद ब्लू को हरा को लगातार 3 सेट के मैच में 2-1 से पराजित करके विजेता ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। रग्बी मैच के प्रारंभ से पूर्व धनबाद जिला रग्बी संघ के अध्यक्ष श्री प्रतुष कुमार राव ने मैच का उद्घाटन किया, जबकि मैच के समाप्त होने के बाद धनबाद जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष MC हाशमी, जो न्यूज मूवमेंट के चीफ एडवाइजर हैं, ने विजेता एवं उप विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मैच का तकनीकी संचालन जिला रग्बी कोच सूरज वर्मा तथा सचिव विविश कुमार द्वारा किया गया। वॉलीबॉल के मैच का उद्घाटन श्री हाशमी द्वारा खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करते हुए किया गया, जबकि मैच का संचालन जिला वॉलीबॉल संघ के सचिव सूरज प्रकाश लाल एवं रेफरी रोहित कुमार मिश्रा और सनी कुमार द्वारा किया गया। मैच की समाप्ति के बाद विजेता तथा उप विजेता टीम को जिला ओलंपिक संघ के महासचिव रंजीत केसरी द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मौके पर धनबाद जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रेजा इस्क्यात, अनुपम मेहता, महासचिव रंजीत केसरी, संयुक्त सचिव मृदुल बोस, मनोज शर्मा, जिला रग्बी संघ के अध्यक्ष प्रसूत कुमार राव, जिला रस्काकशी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार यादव आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर तीरंदाजी एवं खो खो का आयोजन। राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर गांधी सेवा सदन धनबाद में धनबाद जिला तीरंदाजी संघ एवं खो खो संघ के संयुक्त तत्वाधान में धनबाद के विभिन्न खेलों राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शॉल ओढ़ाकर गले में फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। तीरंदाजी महासचिव जुबेर आलम, खो खो महासचिव तारकनाथ दास ने बताया है कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की और उसे उज्जवल भविष्य की कामना की सम्मानित किया। खिलाड़ी का नाम इस प्रकार है: तीरंदाजी मुकेश गोस्वामी, संगीता कुमारी, मुर्मू एथलेटिक्स में नेहा कुमारी वर्मा, करिश्मा प्रसाद, अमृत पाल सिंह हॉकी के मंजूरी पांडे, नूतन टोपनो खो खो राहुल बाबरी, उज्ज्वल रतन फिजा खानम फुटबॉल शिबू मंडल, संजीव कुमार सतप्रकाश क्रिकेट, तापस सरकार नोबली स्कूल के कोच मनोज हैमवम इत्यादि खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। समारोह में का मुख्य अतिथि झारखंड ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सैयद मतलूब हाशमी थे और धनबाद तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार झा, जिला परिषद सदस्य प्रियंका पाल, धनबाद कोर्ट के अधिवक्ता यनुल हक ने भी खिलाड़ी को सम्मानित किया। मंच का संचालन जुबेर आलम ने किया
धनबाद ज्ञापन तारक दास ने किया। आज का SMS ऑफ द मोमेंट, हर्ट समवन विद द ट्रूथ बट नेवर मेक देम हैप्पी विद अ लाई। किसी को सत्य के साथ चोट लगे लेकिन कभी भी उन्हें झूठ से खुश ना करें। के लिए बस इतना ही, अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। हमारा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए घंटी वाले आइकन को पुश करना ना भूलें।